लेकिन एक कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि लैब चूज करने से पहले ये चीज हमको उस लैब में देखना है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया आप? ओके हाँ, मतलब क्राइटेरिया, हाँ ऑफ कोर्स, आप लैब वाले लोगों से बात करो। और टीआईजी में एक बहुत अच्छी चीज थी लैब रोटेशन, ठीक है। तो लैब रोटेशन में क्या होता है कि आप फॉर लाइक 1 महीना एक लैब में या 2 महीना एक लैब में, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लैब्स में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो, लैब को थोड़ा इवेल्युएट करके देख सकते हो अपने लेवल पे। तो वो करके दे, वो एक उसको लोग इग्नोर करते हैं कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लैब के लोगों से बात करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना जो परस्पेक्टिव एडवाइजर है उससे जाके ओपनली डिस्कस करो। हम लोग कभी कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम नए होते हैं, हमें नहीं पता कि हम कितना पूछे क्यों पूछे, बट ट्राई टू डिस्कस एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल उस लैब के। और क्योंकि टीआईजीपी में तो अलग अलग प्रोग्राम्स है, राइट, तो उस आपके खुद के डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके देखो। तो मेरे केस में मैंने लैब रोटेशन की थी, बट समहाउ वो मैं जो लैब ज्वाइन करना चाहती थी वो प्रोफेसर रिटायर होने वाले थे तो मुझे नहीं ले पाए, और इसलिए मैंने फिर दूसरा लैब ज्वाइन किया। तो मैं लैब रोटेशन का एसेंशियली एडवांटेज नहीं ले पाई, बट डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टॉक टू पीपल, सबका व्यू लो, एंड देन ऑफ कोर्स तुम्हें क्या काम करना है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट जानने की कोशिश करो कैसा लैब का एटमॉस्फेयर है और कितना आप इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंटली सीख पाओगे और कर पाओगे चीजों को। तो टॉक टू पीपल, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू द परस्पेक्टिव लैब मेट्स एंड द एडवाइजर। तो आप इंडिया कब मूव किए फिर? तो मैं इंडिया मूव की हूँ लास्ट ईयर लाइक 2022 अप्रैल में, 1 अप्रैल को मैं इंडिया वापस आई हूँ। तो अभी तक का इंडिया में जो लाइफ है वो कैसा है? अभी तक का इंडिया में लाइफ बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंडिया नहीं आई थी, एंड मुझे पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इंडिया आना था। तो अगर हाँ, तो मतलब मैंने बहुत पहले, मतलब पीएचडी जाने से पहले ही, मतलब आई वॉल मतलब मैं हमेशा से इंडिया में रहना चाहती थी। मैं बाहर का एक एक्सपोजर लेके फिर मैं अपनी लाइफ और अपना करियर इंडिया में ही बनाना चाहती थी। ये मेरा फर्स्ट ईयर से, अगर मेरे कुछ अगर फ्रेंड्स हैं वो, अगर वो उनसे बात हो तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ, फर्स्ट ईयर से मैं यही बोलती थी कि मुझे वापस इंडिया जाना। तो ये मेरा डिसीजन था। कुछ लोग हैं जो कि लाइक, मतलब ये टोटली पर्सनल चॉइस है, तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ इंडिया में रहना। तो आप जैसे ताइवान में पोस्ट डॉक खत्म करने के बाद यहाँ आईआईटी कानपुर ज्वाइन किए ना? हाँ हाँ, तो आईआईटी कानपुर में मतलब एप्लीकेशन आसान, मतलब वो कितना आसान था और यह कितना डिफिकल्ट था? वहां पर कैसे फिर आप वहां पर किस पोस्ट पर थे? अच्छा, पोस्ट डॉक, वहाँ पोस्ट डॉक पे। तो वहाँ का कैसा था एनवायरमेंट और एप्लीकेशन कैसा था? ओके ओके ठीक है। तो अगेन मैं बोलूंगी कि आपको पीएचडी खत्म करने के बाद आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं ब्रेक लेके, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सेम लैब में पोस्ट डॉक करके या कहीं और पोस्ट डॉक करके, एंड सोचना है कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, ठीक है। और तो उसके लिए आपको आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, या मुझे इस कंपनी में या इस सेक्टर में जाना है, या फिर मुझे प्रोफेसर बनना है, और मुझे कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ अप्लाई करना। तो आपको एक अपना प्लान थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा एंड जस्ट अप्लाई, और आपकी रेलिवेंट फील्ड्स में ऑफ कोर्स जस्ट अप्लाई करो, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर में मैं कैसे गई, मैंने मेरा काम पेरोस्केट सोलर सेल्स में रहा है पीएचडी के दौरान, और मैंने एक टॉक अटेंड की थी पेरोस्केट सोलर सेल्स, पेरोस्केट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक टॉक थी जो आईआईटी रुड़की में से के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैंने सुना, और वहाँ पे एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर आशीष गर्ग, जिनका टॉक मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि मैं उनको अप्लाई करती हूँ। और ऐसे मैंने, मतलब वेरी फ्रैंकली, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, ठीक है। और मेरे को वहाँ से फर्स्ट रिस्पॉन्स आया था और उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, मेरा इंटरव्यू हुआ।
और मतलब थोड़ा टाइम लगा ये सब प्रोसेस में, आई थिंक 1.5 से 2 महीना लगता है लगा मेरे को। और उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, और उसके बाद मेरे को फिर मेल आया कि मतलब आई आई क्लियर द इंटरव्यू और मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इस प्रोसेस स्मूथनेस की बात मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत बार हम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हैं तो काफी जगह तो रिप्लाई ही नहीं आता है। ठीक है, तो रिप्लाई आना सबसे बड़ा स्टेप है मेरे को लगता है। अगर आपको रिप्लाई आ गया, उसके बाद यू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, मतलब अच्छे से अपने आपको प्रिपेयर करो जितना आपका हो सकता है उतना, उस इंटरव्यू में या फिर उस जो भी है उसमें अपना परफॉर्म करो। तो मुझे एक्चुअली, मैं अब इसको क्या स्मूथ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया था इंडिया से, और मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिया में PhD के बाद, हाँ और क्लियर हो गया। तो मैं इसको स्मूथ नहीं बोलूंगी, बट हाँ मतलब उनका रिप्लाई आया और हो गया। उसके बाद जब मैं इंडिया में आई हूँ IIT कानपुर में, मेरी जो फील्ड में काम होता है उस फील्ड में ये लैब बहुत अच्छी थी। मतलब इनके पास ऑलमोस्ट, मतलब जैसे ताइवान में जिस हिसाब से इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज थी, ऑलमोस्ट उसी लेवल की और कहीं कहीं पे उससे भी अच्छी फैसिलिटीज इस लैब में थी। IIT कानपुर में प्रोफेसर आशीष गर्ग और प्रोफेसर कन्वर सिंह नलवा, इन लोग की लैब में मैंने ज्वाइन किया था, और फैसिलिटीज वाइज इट वॉज वेरी गुड। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इवन लैब इज ऑल्सो गुड। मतलब पीपल एंड प्रोफेसर एंड इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज सब कुछ बहुत अच्छा रहा मेरा। मतलब